हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। आज हम ट्रायंगल के थर्ड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। जो ट्रायंगल का थर्ड पार्ट है वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पर डिपेंड है। आज हम सबसे पहले एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बात हमेशा से याद रखिए, लास्ट टाइम पाइथागोरस थ्योरम आ चुकी है, तो इस बार जो है नई थ्योरम आने के चांसेस है। और वो जो थ्योरम जो आने की चांसेस है वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका क्वेश्चन भी आएगा और ये थ्योरम भी इसके आने के चांसेस है। तो इस थ्योरम को किस तरह से डिराइव करते हैं मैं आपको समझाऊंगा इस थ्योरम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ये थ्योरम स्टार्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं हमारा पहला जो इस वीडियो की जो पहली थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो प्रूव करने के लिए हम दो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल हम बनाते हैं ट्राइंगल पीक्यूआर। याद रखिए दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। आप किन्हीं भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो तब ही ले सकते हैं जब आपके पास दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन हो। अगर सिमिलर नहीं है तो आपको प्रूव करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिए इन बातों को। गिवन सबसे पहले लिखते हैं, गिवन में लिखेंगे टू ट्राइंगल, गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये आपको गिवन है। आल्सो यू कैन राइट AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं। टू प्रूफ के अंदर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR that is equals to AB upon PQ whole square। इसके भी स्क्वायर के इक्वल आ सकता है, इसके भी स्क्वायर के इक्वल आ सकता है और इसके भी इक्वल आ सकता है। तो तीनों में से कोई भी अगर आप प्रूफ कर देते हैं इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड पीएस परपेंडिकुलर क्यूआर। ये परपेंडिकुलर है। प्रूफ, प्रूफ में लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस यहां पर बी सी है और हाइट यहां पर ए डी है। यहां पर भी हाफ, बेस यहां पर क्यू आर है, हाइट इज पी एस। हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए डी अपॉन पी एस। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आ गई। इसके बाद हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो ट्राइंगल नंबर वन ये, दूसरा ट्राइंगल ये। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, सबसे पहले एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन लिखना कंपलसरी, अगर आप रीजन नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQS गिवन। देखिए ये दो एंगल तो 90 डिग्री है इसलिए कंस्ट्रक्शन से आगे। ये दो एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल सिमिलर है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होगी। देन बाय डबल ए सिमिलरिटी ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएस। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर आते हैं तो आप उनके रेशियो ले सकते हैं एबी अपॉन पीक्यू इक्वल्स टू बीडी अपॉन क्यूएस इक्वल्स टू एडी अपॉन पीएस। इक्वेशन नंबर टू, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन वन। देखिए इक्वेशन टू की जो वैल्यू है उसको आपको वन में रखना है। कैसे? एडी अपॉन पी एस की जगह, इसकी जगह आपको ये वैल्यू रखनी है एबी अपॉन पी क्यू। तो रखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और AD अपॉन PS इधर रखते हैं हम यहां पे AB अपॉन PQ। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ हम रखते हैं यहां पे।
तो जैसे रखा हमने AB अपॉन PQ, यहाँ पर भी AB अपॉन PQ आ जाएगा, इट मींस AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। आप चाहो तो आप क्या कोई भी साइन ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी थ्योरम थी जो प्रूफ हो गई है। ये थ्योरम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके इस पर आने के 98% चांसेस, हो सकता है 2% चांस पर कोई दूसरी थ्योरम आ जाए, बट 98% चांसेस देयर दैट दिस थ्योरम कैन बी मे बी कम इन योर फाइनल एग्जाम। इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, कुछ रिजल्ट भी है, रिजल्ट के बारे में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कुछ रिजल्ट समझ में नहीं आए तो फिर आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और आप उसको देख सकते हैं। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेस्ट थ्योरम है, ये आ सकती है। तो अब हम इसके आने वाले एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल फर्स्ट। सो गाइस, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है सिमिलर ट्राइंगल एरिया और सिमिलर ट्राइंगल्स पर डिपेंड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। Prove that the area of an equilateral triangle का area describe on one side of a square, square के side पे बना हुआ equilateral triangle का area equal to half the area of the equilateral triangle describe on one of the diagonal। आपको ये प्रूव करना, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर है हमारे पास ABCD, इसके साइड पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ equilateral triangle है DCF, इसका एरिया डायगनल पर बने equilateral triangle का एरिया का हाफ का इक्वल है। अगर ये एरिया 100 है डायगनल पर जो इक्वली ट्राइंगल बना हुआ है AEC, उसका एरिया अगर 100 है तो ये 50 होता होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ये नहीं प्रूफ करना है 50 और 100, आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एरिया इसके हाफ के इक्वल है। गिवन में लिखेंगे टू ट्राइंगल्स AC एंड DSF DCF आर मेड ऑन डायगनल एंड साइड ऑफ स्क्वायर। प्रूफ ये करना है एरिया ऑफ DCF इक्वल्स टू हाफ एरिया ACE। प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, सीधे लिखेंगे ट्राइंगल DCE सिमिलर टू ट्राइंगल DCF सिमिलर टू ट्राइंगल ACE। रीजन लिखेंगे ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। आप चाहें तो इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सीधा भी लिख सकते हैं कि क्योंकि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल इस वर्ल्ड में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर। जैसे ट्राइंगल सिमिलर हुए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इक्वल्स टू DC अपॉन AC होल स्क्वायर। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कॉरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर ले सकते हैं आप, इसको इस तरह से ले सकते हैं DC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर DC स्क्वायर को ऐसे रहने दे, AC स्क्वायर को देखो पाइथागोरस रूल लगा सकते हैं कि राइट एंगल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वापस से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इक्वल्स टू DC स्क्वायर। AP जो है AP को आप DC ले सकते हैं और BC को भी आप DC ले सकते हैं। देखिए AP और BC को DC, DC क्यों लिखा, AB BC DC AD ऑल आर द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड साइड इक्वल होती है, इसलिए आप इन सबको DC फॉर्म में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं DC लिखे, आप AB की जगह AB रख कर BC और DC को भी AB के फॉर्म में रख सकते हैं। यहां आ जाएगा DC स्क्वायर अपॉन 2 DC स्क्वायर, DC स्क्वायर DC स्क्वायर कैंसिल हाफ, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल DCF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इक्वल्स टू हाफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DCF इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। ये हमारा प्रूविंग का था जो हमने प्रूफ कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम बोर्ड में आया था। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल भी मैं समझा देता हूँ आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर ABC एंड DBC, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल ऑफ सेम बेस BC, दो ट्राइंगल BC पे बने हुए हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ABC अपॉन DBC का एरिया AO अपॉन DO के इक्वल है। पहली बात तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर गिवन नहीं है। दूसरी बात, AO और DO ये दो चीजें गिवन है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझिए क्योंकि इस पर इसके आने के चांसेस ज्यादा है। गिवन में लिखेंगे हम टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC आर मेड ऑन सेम बेस BC। टू प्रूव में लिखेंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इक्वल्स टू एओ अपॉन डीओ। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बीसी एंड डीक्यू परपेंडिकुलर बीसी। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जो एपी है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो डीक्यू है। प्रूफ लिखेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी दैट इज इक्वल्स टू हाफ, बेस अपना बीसी है, हाइट एपी है, इसका भी हाफ, इसका बेस भी बीसी ही रहेगा, हाइट डीक्यू रहेगी, हाफ से हाफ कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल। देखिए ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं तो बेस तो बीसी ही रहेगा, हाइट एपी है, और डीबीसी की बात करते हैं तो बेस बीसी रहेगा, हाइट डीक्यू है। तो हमारे पास रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इक्वल्स टू एपी अपॉन डीक्यू, इक्वेशन नंबर वन। अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल डीओक्यू, इसमें एंगल एओपी इक्वल्स टू एंगल डीओक्यू लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल पूरा लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर एंगल आफ्टर दैट एंगल एपीओ इक्वल्स टू एंगल डीक्यूओ इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन बाय ए सिमिलरिटी। ट्राइंगल एओपी सिमिलर टू ट्राइंगल डीओक्यू, ट्राइंगल सिमिलर है, इसमें आप उनके साइड का रेशियो ले सकते हैं, एओ अपॉन डीओ इक्वल्स टू एपी अपॉन डीक्यू। देखिए एओ अपॉन डीओ लिया और एपी अपॉन डीक्यू लिया क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। इक्वेशन नंबर टू, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, एपी अपॉन डीक्यू की वैल्यू उठा करके हम यहाँ फर्स्ट में रखते हैं, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इक्वल्स टू एओ अपॉन डीओ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन इसलिए टफ माना जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कोरस्पोंडिंग साइड ना देख करके एक डायगोनल की साइड दे दी है। अब हम इस मूव करते हैं तीसरा एग्जांपल जो हमारा लास्ट एग्जांपल होगा, इसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मूव करते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की ओर। सो गाइस इस वीडियो को जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो भी एनसीईआरटी का है, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में इसका आने के चांसेस है। तो देखिए हमारा लास्ट एग्जांपल क्या है, एक्स वाई पैरेलल एसी, एक्स वाई एसी के पैरेलल है, एसी एंड एक्स वाई डिवाइड ट्राइंगल एबीसी इनटू टू पार्ट, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं एक्स वाई और एसी, टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया आपके पास इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स अपॉन एबी निकालना है, एक्स अपॉन एबी, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्स ए सी वाई, ये हमें गिवन है। अब हम सबसे पहले ट्राइंगल का देखो रेशियो निकालना है, एरिया वाले पार्ट गिवन है, एरिया वाले गिवन है, इसलिए आप एरिया वाली थ्योरम अप्लाई होगी, एरिया वाली थ्योरम तभी अप्लाई हो सकती है जब आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, ध्यान रखिए अगर ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो आप एरिया नहीं दे सकते इनका। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एक्स बी वाई, देखिए ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग, ये इसके इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग और ये कॉमन। एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल एक्स बी वाई कॉमन, एंगल बीएसी इक्वल्स टू एंगल बी एक्स वाई, एंगल बीसीए इक्वल्स टू एंगल बी वाई एक्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। By triple A similarity, triangle ABC similar to triangle XBY. जैसे दो ट्राइंगल सिमिलर आप उनके एरिया का रेशियो ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY इक्वल्स टू AB अपॉन XB होल स्क्वायर। अब देखिए ABC का एरिया कैसे ले सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY प्लस एरिया of trapezium AXYC upon area of triangle BXY, सामने रहेगा हमारे पास AB upon XB whole square। ये जो ABC का एरिया है
ये इस और इस पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसको हम लिख सकते हैं तो 1 प्लस 2 इन दोनों के एडिशन के इक्वल लिख सकते हैं एबीसी का एरिया। फिर मैंने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई ऐसे ही रखा, यहां पर भी लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी होल स्क्वायर। यहां से आता है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई ए बी अपॉन बी एक्स होल स्क्वायर। ये से कैंसिल, 2 इक्वल टू ए बी अपॉन बी एक्स, इसके आ जाएगा तो रूट में चला जाएगा ए बी अपॉन बी एक्स। रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी। रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि हमें नीचे ए बी चाहिए, देखिए नीचे ए बी लिखा हुआ है। अब हम क्या बी एक्स को हटाना है तो बी एक्स को कैसे हटाएंगे, बी एक्स इसको हम कैसे लिखेंगे, कंप्लीट ए बी माइनस ए एक्स, ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी। अगर लिखते हैं इसको 1 अपॉन रूट टू इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी, तो ये से कैंसिल 1 आ गया, इसको यहां लेके आते हैं ए एक्स अपॉन ए बी 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू, रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू, तो ये फाइनल इसका आंसर है। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, अगर आप रेशनलाइज करते हैं तो आपका अलग आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों ही सही है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट जो पार्ट 3 था हमारा ट्रायंगल का, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट आपको प्रोवाइड करवाए हैं, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट क्वेरी है या कोई, अब आप मुझे ये डिसाइड करके बताइए कि आपको कौन सा नया चैप्टर चाहिए। फोर्थ पार्ट बनाने के बाद सीधा वही चैप्टर के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, वीडियो बना के रखूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी जरूर करिए। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे हम फिर से नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय एंड थैंक यू।